एक मुझको तू कर नहीं जाता। दस थाट, भारतीय शास्त्रीय संगीत के दस थाट, यानी जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में दस थाट यूज आते हैं, बिलावल, भैरवी, कल्याण, काफी, खमाज, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, ये जो थाट हैं, इन सबको याद कैसे किया जाए, उसका एक आज एक आसान तरीका मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। एक आइडिया है, एक छोटा सा गीत बनाया है, बंदिश कह लीजिए, गीत कह लीजिए, है ना, वो अगर हम याद कर लें तो हमें उन थाटों के नाम और उनमें कौन कौन से स्वर लगते हैं वो मालूम चल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है वो दस थाटों का एक गीत। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। थाट बिलावल शोध स्वरों का मेल है रंजक, थाट बिलावल शोध स्वरों का मेल है रंजक, थाट भैरवी धनि रे गो कोमल, थाट भैरवी धनि रे गो कोमल, थाट कल्याण में माध्यम तीवर, थाट कल्याण में मध्यम तीवर, भैरव थाट में रे धा कोमल, भैरव थाट में रे धा कोमल, काफी मेल में, काफी मेल में गानी विकृत, थाट खमाज में नी है कोमल, थाट खमाज में निषाद कोमल, आसावरी है विकृत ध्वनि कोमल ग का थाट, आसावरी है विकृत ध्वनि कोमल ग का थाट, मेल मारवा, मेल मारवा में रे मा विकृत, थाट पूर्वी में रे धा कोमल मा है तीवर, थाट पूर्वी में रे धा कोमल मा है तीवर, तोड़ी थाट में, तोड़ी थाट में धमगर विकृत, तोड़ी थाट में। छोटा सा एक गीत अभी जो आपने सुना, इसकी शब्द रचना और स्वर रचना मैंने ही की है। कोशिश की है कि इन दस थाटों के शब्दों में पिरो के सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ और कॉम्पोजिशन एक बना पाऊँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो आइडिया है ये मेरे पिता गुरु का है। जैसे कि ज़्यादातर आइडिया होते हैं वो, क्योंकि बड़े क्रिएटिव आदमी है तो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो इस बार टीचमेंट ऐप पर वो जब संगीत सिखा रहे थे और उस दौरान उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना एक दस थाटों को याद करने का एक गीत बनाया जाए या एक बंदिश बनाई जाए जिसको लोग गाकर या उसको पढ़कर दस थाटों को याद कर लें, है ना। वैसे तो जैसे श्रुतियों को याद करने की श्लोक दे रखे हैं हमारे शास्त्रों में, उसी तरह से थाटों का एक अलग सीक्वेंस भी हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं। लेकिन मेरे पिता गुरु ने कि ये दूसरा सीक्वेंस बनाया है,
जिस पर वो बिलीव रखते हैं, जो मानते हैं कि इस अनुसार सीखा जाए तो थाटों का क्रम जो है ढंग से समझ आ सकता है ना। इसी तरह मेरे पिता जो मेरे दादा गुरु हैं उन्होंने भी एक क्रम दिया है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको जो क्रम पसंद आए उसको आप समझ कर, जो आपको लगेगा हाँ ये लॉजिकल है उसको आप समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो ये मेरे पिता गुरु का एक क्रम है जो उन्होंने मुझे काम दिया, उन्होंने एक आइडिया दिया, बोला कि एक ऐसा गीत की रचना करो। तो मैंने कोशिश करी और बनाया। इस गीत में खास बात क्या है जो मैं आपको सिखाने से पहले समझाऊंगा कि इसमें जिन जिन स्वरों का नाम लिया जा रहा है एक्चुअली में कॉम्पोजिशन में वही वही स्वर लगाए जा रहे हैं। कोशिश करी है मैंने ऐसा करने की, जैसा कि लक्षण गीत में मेरे पिता गुरु जब लक्षण गीत बनाते हैं तो एक चीज़ ये बड़ी ही एक अच्छी चीज़ रखते हैं वो, कि जो जो स्वरों का नाम आता है उन उन स्वरों को ही लगाकर उसकी कॉम्पोजिशन करते हैं। तो एक उन्हीं का आइडिया लेकर, उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीख कर कोशिश करी इसमें उस चीज़ को इनपुट करने की। जैसे कि आपने देखा कि जिसमें दसों थाटों में 10 अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं। अगर बिलावल थाट है तो वो थाट बिलावल में, यानी कि राग बिलावल में रचित है, और भैरवी थाट है तो वो उसकी अगर व्याख्या की है तो राग भैरवी का चयन किया है। कल्याण थाट है तो यमन का चयन किया, भैरव में काफ़ी का, काफ़ी में खमाज का, खमाज में आसावरी, आसावरी। ऐसे ही दसों थाटों को मैंने उन्हीं 10 रागों में कंपोज करने की कोशिश करी है। अब ख़ास चीज़ क्या क्या है इसमें वो आप देखिए कि मैंने जो चलन है राग का उसका भी उपयोग किया है। इससे क्या होगा, ये 10 थाट तो आपको याद हो ही जाएंगे, इनके शब्द तो आपको याद हो ही जाएंगे, इनमें क्या स्वर लग रहे हैं ये तो याद हो ही जाएंगे, साथ ही साथ इनकी जो आश्रित रागें हैं उनका जो चलन है वो भी थोड़ा थोड़ा आप में क्लियर हो जाएगा, तो आसान रहेगा। जैसे कि हम बिलावल से ही शुरू करते हैं, तो सा मा ग मा रे सा नि ध नि सा ग म प ग म रे सा प प द नि सा द प, ये बिलावल का चलन है। तो इसी में शब्दों को पिरोया है कि थाट बिलावल शुद्ध स्वरों का मेल है रंजक। मेल यानी थाट होता है और रंजक यानी जो मन को रंजित करे, जो अच्छा लगे मन को। थाट बिलावल ग म प ग म रे सा शुद्ध स्वरों का ग प नि नि सा नि द प मेल है सा नि द प रंजक ग म रे सा, है ना। ऐसे गाया है इसको, फिर तुरंत स्विच किया है। ये एक तरह से एक क्या बोलते हैं उसको, जिसको रागमाला कहते हैं, तो एक छोटी सी रागमाला समझ लीजिए। फिर भैरवी का चलन शुरू होता है, थाट भैरवी ध नी रे ग कोमल, है ना, जो चार स्वर कोमल लगते हैं। तो थाट भैरवी सारे मामा मागा गमनी धपा थाट भैरवी, है ना, ये भैरवी का चलन लिया है। फिर धनी रेगा कोमल, क्योंकि वही स्वर लग रहे हैं, धनी रेगा, है ना, वही स्वर लगाए थाट भैरवी धनी रेगा कोमल धनी रेगा मगरे सा। फिर तुरंत स्विच किया है थाट कल्याण पे, जो कि जाता है थाट कल्याण में निधनी रे गा रे सा नि, है ना, थाट कल्याण में मा, मध्यम तक लाया हूं क्योंकि उसमें मुझे मध्यम शब्द का यूज मध्यम पे ही करना था, म पे ही करना था, तीव्र मध्यम पे। तो थाट कल्याण में मध्यम तीव्र, तीव्र यानी तीव्र है। तो निधनी रे गा रे सा नि प मा, है ना, थाट कल्याण में मध्यम तीवर मारेगा। अब गंधार पे इसे खत्म किया क्योंकि वहीं से हम अगली लाइन लेंगे, भैरव थाट में रेध कोमल, और भैरव का चलन जो है वो गमा रेसा के आंदोलन से बड़ा ही खिलता है। भैरव थाट में गमा रे, कोमल ऋषभ लगाया है, भैरव थाट में रेध कोमल, भैरव थाट में रे, ऋषभ से षड्ज पर, यानी रे से साप हल्की सी मीड ली क्योंकि रे पर मुझे रे ही बोलना था, रे धा कोमल। अब जब ध लगाया है तो मैंने सा से ध पर मीड ली है, सा पर ही ध बोल लिया और उस मीड को मैं कोमल ध तक लेके गया हूं। भैरव थाट में रे धा कोमल, उसके बाद काफी मेल में गनी विकृत, विकृत यानी जो कि अपने शुद्ध नहीं होते हैं, जो उसके अलावा होते हैं वो विकृत होते हैं, जिसमें कि कोमल और तीव्र दोनों आता है। तो गनी विकृत यानी कि गनी कोमल है इसमें। तो भैरव थाट में रे धा कोमल काफी मेल में
अब जो जो मैं स्वर बोल रहा हूँ वो ही स्वर लग रहे हैं, लेकिन आप ये भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि थोड़ा चलन है राग का, तो थोड़ा सा ऑर्नामेंट भी है। काफी पधनी धपसानी, अब इसको गाने में काफी ऐसे नहीं गा रहा हूँ, काफी है ना, हल्का सा मीण का हल्का सा स्वरूप जो बना रहा हूँ राग का, काफी मेल में, पर एक ढांचा आपको बता रहा हूँ, उसके बाद तो गायकी आपकी है। पधनी धसानी धमाप गानी विकृत गंधार पे ग ही बोला है, गानी विकृत नी पे भी नी ही बोला, काफी मेल में गानी विकृत, फिर थाट खमाज में निषाद कोमल, या फिर थाट खमाज में नी है कोमल, है ना, इसका स्वरूप जो कैसे बन रहा है, थाट खमाज में सागा, शुद्ध गंधार लग रहा है, सागा मा पा गा मा गा नी धा पा मा गा, थाट खमाज में नी है कोमल, नी नी है कोमल, नी पे नी ही लगाया है कोमल नी, और निषाद अगर शब्द यूज करें तो थाट खमाज में निषाद कोमल गनी नी धा पा मा गा, फिर आसावरी है विकृत धनी कोमल ग का थाट। आप इसमें देख रहे हैं कि कभी लाइन बड़ी हो रही है कभी छोटी हो रही है, तो वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं राग का स्वरूप भी देना चाह रहा था, है ना, सिर्फ यू नो अगर उसे मैं सिर्फ एक कविता तौर पे आपको सुनाना चाहता तो मैं बड़ी एकदम मीटर में इसको जो है फिट करके आपको मैं सुना देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप गाएं भी, और गा रहे हैं तो उसका चलन भी आना चाहिए, है ना, ताकि सारी चीज़ें एक ही में कवर हो जाएं। तो चलन देने के लिए थोड़ा मुझे लिबर्टी लेनी पड़ी कहीं ना कहीं, कि मुझे लाइन लंबी करनी पड़ी, है ना, इसीलिए इसको जब आप गाएंगे तो ये तीन ताल में निबद्ध नहीं है बराबर, क्योंकि कभी सम पे आएगा कोई खाली पे आएगा, इसीलिए आप इसे आठ मात्रा की अद्धा तीन ताल में गा सकते हैं, है ना, जो 16 मात्रा की होती धा धीक धा धधक धीक धा धा तिन तक ततक धीक धा, है ना, ये जो बोल होते हैं इसमें नहीं, इसकी जो हाफ होती है जो फिल्मी गानों में अक्सर यूज आती है, जैसे कि धा धीक धा ततक धीक धा धीक धा ततक धीक धा, यानी कहरवाई है एक तरह से, उसमें आप इसे गा सकते हैं, है ना, सम टू सम आएगा ताकि इसमें बराबर से। अब आसावरी कैसे जा रहा है, आसावरी का चलन जाता है सारे मारे गे सारे, तो इसी चलन में मैंने शब्दों को पिरोया है, आसावरी है सारे मा बदा सा, आसावरी है विकृत। अब यहां विकृत का भी स्वरूप देखिए कि विकृत मतलब जो शुद्ध नहीं होता, यानी इससे थोड़ा टेढ़ा होगा, तो विकृत को भी वैसा ही वक्र जो है मैंने कॉम्पोजिशन दिया है, विकृत सारे मा रे सा आसावरी है विकृत धनी। अब यहां धनी मैं डायरेक्ट तो लगा नहीं सकता था क्योंकि संगति नहीं बनती है, संगति बनती है पधनी धा प, तो पधनी की ही लगाई है, प पे ही मैंने ध बोला है और वहां से हल्की सी मीण लेकर ध पे गया हूं, ध धनी पधनी है ना, धनी कोमल ग ग ग पे ही गंधार लाया हूं, पधनी द प पधम प ग रे धनी कोमल ग का थाट ग रे सा रे सा। फिर आते हैं मारवा पे, तो मेल मारवा में रे म विकृत है ना, रे म जो है विकृत लगते हैं, यानी रे कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है मारवा में, तो कैसे गए हैं, कोमल तधनी कोमल ग का थाट, मारवा जाएगा धनी रे ग म धा, क्योंकि धैवत जो है मारवा में प्रबल रहता है, तो मेल मारवा धनी रे ग म धा, मेल मारवा में रे म विकृत, ये जो संगति आप देखिएगा बड़ी अच्छी सी बन पड़ी है रे म, अब इसमें शुरुआत रे से हो रहा है और म से एंड हो रहा है, शब्द कॉम्पोजिशन भी और इसकी शब्द रचना भी, रे रे म रे ग म ध म ग रे म विकृत म
फिर आते हैं थाट पूर्वी में रेधा कोमल म है तीवर, है ना। तो इसकी कॉम्पोजिशन देखिएगा कैसी बनती है। अब क्योंकि थाट पूर्वी में दोनों मध्यम नहीं लगते हैं लेकिन राग पूर्वी में दोनों मध्यम लगते हैं, तो थोड़ी सी लिबर्टी ली है मैंने कि इसका जो कॉम्पोजिशन बनाया है उसमें दोनों मध्यम लगा दिए ताकि आपको वो राग भी क्लियर हो जाए थोड़ी थोड़ी। साधा म प ग म ग रे म ग रे ग म प, ये पूर्वी का चलन है। साधा म प ग म ग रे ग म ग रे सा रे ने ध प म ध सा, तो इसी चलन में कैसे गाएंगे। थाट पूर्वी में साधा म प ग म ग रे, थाट पूर्वी में रे ध कोमल। अब मुझे रे ध कोमल लगाना था और रे और ध का प्रयोग करना था, तो जाहिर बात है मैं मध्य में नहीं जा सकता था क्योंकि रे ध आपस में बड़े दूर दूर हैं। रे ध, लेकिन खरज में अगर उतरते हैं तो रे ध काफी करीब हैं क्योंकि ऋषभ और फिर नी और फिर ध लगा सकता हूं मैं। तो कैसे लगाया है, रे नी ध नी ध प, है ना। तो कैसे गाया है, रे रे नी रे ध, तो ध नी रे ध कोमल रे नी ध नी ध प मा है तीवर, और तीव्र मध्यम का ही प्रयोग किया है, मा है तीवर, ठीक है। फिर आखिरी थाट आता है तोड़ी थाट में ध म ग रे विकृत, है ना। ध म ग रे विकृत कैसे, धैवत कोमल है, गंधार कोमल है, ऋषभ कोमल है और मध्यम तीव्र है। तो कैसे गाएंगे इसको, दो तरीके से मैंने इसको गाया है। सारे गे 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 सा, ये तोड़ी का चलन है। तोड़ी थाट में, तोड़ी थाट में धम गे विकृत, तो धम गे को लगा दिया है उसी तरीके से जिससे कि तोड़ी में एक्चुअली में लगता है। धम गे विकृत धम गे गे सा, तोड़ी थाट में, तोड़ी थाट में, ऐसे भी चलन है तोड़ी का। पा ब ब म ब ध म, तोड़ी थाट में धम गे विकृत। तो ये एक छोटी सी कविता कह लीजिए, गीत कह लीजिए, एक बंदिश कह लीजिए, आप इसे गा सकते हैं। तो मेरे पिता गुरु का आइडिया था, मैं उन्हीं को धन्यवाद दूंगा कि एक नई रचना करने का मुझे मौका दिया और आप तक, आप सभी तक पहुंचाने का एक मौका दिया कि आप लोग भी इस गीत को याद कर सकें और सीख सकें। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, अब इसे अच्छे से अभ्यास कीजिए और हमें भेजिए ताकि हम सुन सकें। आप चाहें तो अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और हमको लिंक भेज सकते हैं, हम देखेंगे और शेयर करेंगे अपने लोगों तक। और ज़रूर हमें बताइए कि कैसा लगा। इसके शब्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वैसे तो मैंने बोल भी दिए, याद हो ही गए होंगे, बड़े ईजी से हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कॉम्पोजिशन आपने याद कर ही ली होगी ये वीडियो देखकर, नहीं हुआ तो रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए और याद कीजिए। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, और कुछ ना कुछ मैं लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ नया हम लोग करते रहेंगे ताकि संगीत में विकास हो। ठीक, देखते रहें वीडियो ऐसे ही, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी। और हाँ, एक और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी सिस्टर ने भी हिमजा पांडे, उनका जो चैनल है म्यूजिकल बडीज, उस पर एक वीडियो अपलोड किया है जो कि इसी पर, इसी टॉपिक पर है। मेरे पिताजी ने मुझे भी ये टॉपिक दिया था और मेरी सिस्टर को भी दिया था, तो उन्होंने भी एक बखूब एक कविता लिखी, एक पोयम लिखी है 10 थाटों को याद करने के लिए। तो आप उसे भी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे भी आपको आपको सीखने को मिल सकता है। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको याद करने में सहूलियत हो, वो आप देखिएगा और याद कीजिएगा। तो ऐसे ही देखते रहें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।